हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग पूछ रहे होंगे दी आपकी तबीयत कैसी है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी ठीक लग रही है, थोड़ी सी ठीक लग रही है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा कि काम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देती हूँ, फिर आगे का देखती हूँ कि आगे क्या करना है। तो मैं कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ आज के ब्लॉग में, कुछ स्पेशल है मेरे लिए है, तो आई होप आप लोगों के लिए भी होगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। तो फिर से हम अपने कामकाज में लग जाते हैं, ठीक है? फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। ज्यादा बात करूंगी ना तो बहुत लंबी चौड़ी बात होने लगती है। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो गाइस, आ गई हूँ मैं मेरे किचन में। और आप लोग बोल रहे थे ना बहुत दिन से, दी आप अपने किचन में टाइल वाइल लगवा लीजिए। तो क्या ना था, क्या ना था क्या था कि हमारा बजट नहीं था। जब तक मैंने कहा कि चलो कुछ जुगाड़ बुगाड़ बना लेते हैं, तो ये मैटी बिछी हुई थी जो हमने रूम में बिछाई थी, बची हुई थी, तो उसको मैंने कहा चलो कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। सब कट कर रहे थे जब ही मेरे देवर लोग आ गए थे, फिर हम लोग बातचीत करने लगे। काफ़ी मस्ती वाली बात हुई, आप लोग खुद ही सुनिए। अभी मैं वहां निकाल के उसमें जो ऐसे जो है ना उसमें बिछाऊंगा, वो अलमारी बिछाऊंगा, बस नीचे नहीं बिछाऊंगा, अलमारी बिछाऊंगा। देख गरीब का देगा इसे बहुत है। तो गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता। और इसके लिए मैंने लिए 4 बैगन छोटे छोटे। अगर आजकल के आप बैगन लेते हो तो ज़्यादा बड़े मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं। तो इनको मैं इसी तरीके से गैस पे भूंज लेती हूँ। थोड़ी सी दाल गिरी है, बाबू को मैंने दाल गर्म करके दिया था, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत लीजिएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दिया, एक बैगन मेरा बचा हुआ जो साइड में भूंज रहा है। जब ये तेल गर्म हो जाएंगे तो इसमें मैं जीरा और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी, हल्का सा खूंद कर। और इसके बाद मैं डालूंगी, मैंने 4 प्याज लिए हैं थोड़े से बड़े बड़े, उसको मैंने लंबे लंबे पतले पतले कट कर लिए इस तरीके से पीस में। और इसको इस तरीके से चलाकर आपको इसको ढाक कर पकाना है स्लो गैस पे, और खोल कर नहीं पकाना कि आप इससे जो प्याज है इसको खोल कर पकाओ, इसे ढाक कर पकाना है। साथ ही साथ मैं थोड़ी सी मैगी बना रही थी, मुझे भूख लग गई थी ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैगी बना लेती हूँ। और ये देखिए हमारे प्याज हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इसमें टमाटर ऐसे डाल के थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी, या थोड़ी थोड़ी देर पर चला दूँगी ताकि टमाटर जो है ना हमारे आसानी से अच्छे से गल जाए। इस तरीके से करने से आपके टमाटर बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। तो बीच बीच में मैंने इन्हें चला दिया था, और अभी भी थोड़ी सी कसर है, तो इसको इस तरीके से चला वो कर देंगे, जो कलछुल होती है ना उसी से फोड़ देंगे। और इसके बाद मैं 1 रुपये वाला मसाला 1 पैकेट और थोड़ा सा जो एवरेस्ट मसाला आता है ना मीट मसाला, वो थोड़ा सा डाल दूंगी। इससे जो है ना आपका स्वाद ही बदल जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करके और ढाक देंगे ताकि हमारा मसाला भून जाए। फिर जो हमारे बैगन है उनको हम अच्छे से छील लेंगे। क्या बोल रही हूँ यार,
छील लेंगे सभी बैगन को और फिर बीज से फोड़ के देख लेंगे कि इसमें कीड़े तो नहीं है। छोटे बैगन की खास बात यही होती है इस मौसम में कि इसमें आपको बीज में कीड़े देखने को नहीं मिलते, तो मेरे चारों के चारों बैगन में एक भी कीड़े नहीं निकले और काफ़ी अच्छा भी था, अच्छे से भूंज भी गया था। अब देखो कितने अच्छे से भूंजा हुआ है ना। और इसके बाद क्या करना है, आपको एक चाकू लेनी है, उसी से इस तरीके से छोटे 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 पीस बना देने, वो एकदम मिक्स हो जाएगा भरता टाइप का, जब आप चाकू चलाओगे ना तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, गैस को स्लो कर देंगे और सारे बैगन को हम इसी में मिक्स कर देंगे। इसमें मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक हम पका लेंगे और इसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा मसाला और टमाटर वगैरह तो वैसे ही पके हुए हैं ना। तो बस हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई बैगन का भरता। और लॉकडाउन जब से हुआ ना, आपको बता दूं कि मैं घर से कभी बाहर ही नहीं निकली हूँ, सिर्फ 2 बार गाँव गई थी और गाड़ी से गई सीधा घर, सीधा वहाँ। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मॉल गई हूँ लॉकडाउन में, मेरी हालत ख़राब थी एकदम से, मतलब मैंने वहाँ पर फ़ोन तक नहीं निकाला, रिकॉर्डिंग तक नहीं की है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, बाबू के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो इसी वजह से। और जैसे ही मैं आई हूँ, दरवाज़ा मनी से मैं खुलवाई हूँ, बाथरूम में डायरेक्ट आई हूँ, सभी कपड़े को पहले मैंने निरमे में डाला, उसके बाद पानी से खंगाल खंगाल के डाल रही हूँ। अब देखो टैग लगे हुए हैं, जो कपड़े फैले हुए हैं उसमें टैग लगे हुए हैं सारे कपड़े को। और मैं फिर नहाई हूँ, उसके बाद मैं रूम में घुसी हूँ। तो ये ट्रिक आप लोग जरूर अपनाइएगा अपनी सेफ्टी के लिए। गाइस ये देखिए अभी कपड़े बाबू के मैंने धुल के फैला दिए, वो मैं जल्दी दिखाऊंगी। और मैं अपने लिए नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं नहा ली हूँ, मैक्सी डाली हूँ, अभी चेंज कर लूंगी। और अपने जीजू से बोलिए मुझे पैसे दे, मुझे एक कुर्ती बहुत पसंद आई थी, लेकिन जानते वो तो बुलाया है, क्यों नहीं आई, वो जानते कितने की थी, लेकिन 1500 रुपए की ले लेती। लेकिन क्या है ना, उस समय मुझे पता नहीं था 1500 रुपए की थी, तो लेकिन 500 तो ऑफ हो जाता, 500 का ऑफर चल रहा है। आज मेरा घर पूरा फैला पड़ा और पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या बताऊं, थक गई हूँ। बस ज्यादा नहीं लेकर आई हूँ, 1500 की शॉपिंग की थी, 1500 पे 500 ऑफ हो गया, तो नहीं जलेगी वहाँ की, जलेगी शर्त रखो, नहीं जलेगी, तुम बात नहीं मानते हो, वो बिल्कुल डल डल सी रहेगी, खराब होगा। तो बस वही है, अभी चेंज कर लेती हूँ, अभी नहाई थी फिर लेट गई, काजल वजल फैल गया, बारिश होने वाली है, कपड़ा ठंडा कर दे जो सूखे हैं, जा रही हूँ करने, मैं कर रहे ना हूँ, तुम ना जाओ, तुम टावल लपेट लो, तुम तो खुद ही चले गए। बहुत अच्छा फायदा वैसे कैमरा ऑन करने का, चलिए दिखाती हूँ आपके जीजू को, कैमरा ऑन है, कपड़े फैल, कैमरा ऑन है, कपड़े अंदर कर दो, बारिश होने वाली है, लोग देखेंगे कहेंगे देखो कितना काम करते हैं आपके हस्बैंड। रुकिए दिखाती, कहाँ जा रहे हो, सूखे सूखे अलग कर दो, गीले गीले अलग कर दो, सूखे वाले रहने दे, सूखे निकाल ले, गीले वाले, हाँ तो ये बोलो ना सूखे वाले उतार लो, क्या मांस नहीं गिरा क्या होता है, मांस अभी लेके आएगा, कितना मंगाए हो, बस पांच, पांच से ज्यादा है, 5 सही तो है सब लोगों के लिए, वो गीला होगा, वो तो अभी डाली हूँ मैं, पहन के गई थी ना ये कुर्ती, पहन के गई थी, आप लोगों ने तो देखा ये सिटी काट कर वो है थैला है, धुंधी हूँ उसको भी लगे हाथ, सूख गया क्या ये थैला। तो गाइस ये देखिए बारिश होने लगी और कपड़े फैलाने की कहीं जगह नहीं थी, इन्होंने जुगाड़ बना दिया, दिखाओ जुगाड़ अपना, दोनों लोगों ने मिलकर जुगाड़ बनाया, कैमरा उस समय ऑफ था वरना दिखाते, और पास करो थोड़ा सा, कर लेना अब हम छोटे पड़ जाते हैं, तो क्या मतलब हुआ डबल वाला काम, छोटे पड़ जाते हो डबल डबल वाला काम करने का कोई मतलब हुआ, आप लोग बताइए, ये भी फैलाए हम भी फैलाए, यहाँ आराम से सूख जाएंगे सारे कपड़े, है ना, क्या मेरा दिमाग है, गाना क्या गा रहे थे, एक साइड ये पकड़े थे एक साइड मैं, कौन सा गाना गा रहे थे, अरे ध्यान में, रिमोट कहाँ यार, एक तो टीवी जब देखो और बैठती है, गाना ये गा रहे थे, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, कहीं हम खो जाएं, हो जाओ, ये सारे कपड़े मुझे क्या करना है बताइए, आप लोग तय करना है, तय तय लगाने हैं, ड्यूटी लगी, सारे गीले वाले आ गए, और इस तरीके से सारे कपड़े सूख जाएंगे हमारे, है ना, कमरे में। और अभी आपको दिखाती हूँ, रिमझिम रिमझिम से बारिश स्टार्ट हो गई है, कुछ कपड़े हमने कहाँ पे डाले हैं, मैं तो सोच रही थी ना कि यहाँ से बरामदा, ये है गैलरी, यहाँ से इस तरीके से जुगाड़ बनवा देते हैं बीच में, लेकिन गंदा लगता है, ये देखिए ये टंगे हुए हैं कुछ कपड़े यहाँ पर,
तो बस चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए हमारी चाय बन गई है, तो चलिए फटाफट से हम दोनों पी लेते हैं, ठीक है? फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से। तुम बोलो। लेडीज फर्स्ट होती हैं। तुम बोलो। रोज बोलने से अच्छा है आज ही बोल दो, तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। माननी बंद कर दो उसको। तो गाइस आप बताइए कितने बज रहे हैं, बताइए। 11:15 11:30 हो गए, तो फिर से देखो क्या कर रही है। गाना गा रही क्या बाबू? दीदी गड़बा रही हो। ये क्या कर रही थी? कुछ तो कुछ तो लाला ला करना है। बाबू गाना गा रही थी। तो गाइस अभी कितने बजे? रात के 11:30 और अब हम दोनों बैठ गए हैं ब्लॉग का एंड करने के लिए, है ना? मेरे होंठ देखो कैसे सूख रहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी बहुत आ गई है ना, बहुत कमजोरी आ गई है, देख रहे हैं कमजोरी कितनी ज्यादा, कम ही ज्यादा कमजोरी आ रही कि बॉडी बॉडी आ गई है, ये देखिए, है ना? क्यों बाबू को देखिए। आप लोग जीजू का डांस देखना चाहते हैं, बताइए करोगे? तभी सोना है, डांस बाद में कर लेंगे। अगर आप लोग जीजू का डांस देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, इनका बिंदास वाला डांस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, है ना? मुझे नहीं आता, इन्हें आता है। फिर से साथ बोलेंगे, मुझे नहीं आता इन्हें आता है। मुझे नहीं आता इन्हें। वो बस ब्लॉग का इन्हें यही करते हैं, और आपको इनका डांस देखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी इनका बिंदास वाला कौन सा डांस। लुंगी डांस गाने तो कोई भी है नहीं, तुम लुंगिया डांस करना ज्यादा अच्छे लगते हो, टावल पहन कर घूमते रहते हो। तो बस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय बाय नेक्स्ट। ओके बाय बाय, गुड नाइट।